गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हमारे साथ रोजी जी और निर्मला जी जुड़ गई हैं और अभी हम थोड़ा वेट करेंगे, हमारे और भी कुछ साथी जुड़ जाएं। और जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है एनिमल से रिलेटेड, तो एक छोटा सा, जब तक और भी हमारे साथी जुड़ते हैं, हम स्क्रीन पे कुछ वीडियो चला देते हैं। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है? ज़ेब्रा, ज़ेब्रा, ज़ेब्रा स्ट्राइप्स आर सो कूल, ज़ेब्रा। टाइगर, दुदू को हाथ पे लग ना हो सही ना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस ज्ञान सेशन। जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है, एक छोटा सा वीडियो बना के इस पे चलाया कि जैसे कि बच्चों को जब भी आप पढ़ाते हैं तो साथ साथ बच्चों को उनकी उस एनिमल की फोटो दिखा के उसके बारे में बताएंगे तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। हमारे साथ रोजी जी, निर्मला जी और मंजू जी जुड़ गई हैं, तो आप स्वागत है मैम का, बहुत बहुत स्वागत है। आप आप सभी का आज के में जो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे आसपास के एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट्स, आसपास के जानवर जो हमारे हैं और किस तरह के वो हैबिटेट में रहते हैं, उसके लिए भी आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे एक बड़ा प्यारा सा क्लिप चल रहा है जिसमें अलग अलग तरह के आपको जानवर दिख रहे होंगे, परे परे से जानवर दिख रहे हैं। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं अभी वो प्लीज बताएं, आपके घर में आप लोगों ने कुछ जानवर पाल के भी रखे होंगे ना, बहुत तो घर में होगा, तो क्या क्या आप लोगों ने रखा है और आसपास में किस तरह के और भी जानवर होते हैं आपके, आप यस लोग मैम सुन है। पा रहे? हाँ, हाँ हाँ रखा है आप लोगों ने कुछ बताओ। काऊ, बहुत बहुत। उसके बाद बियर, नहीं उसको तो मतलब देखते हैं, पालते अच्छा, हैं, है बियर होता है कुछ आपके पास, जंगलों में होता होगा ना, आसपास अगर जंगल होगा तो होता होगा। हैं। यस मैम, एलिफेंट भी रहते हैं। एलिफेंट भी जंगल में होता होगा, पहले तो लोग घर में भी कोई कोई पाल के रखते थे। और ये सब मतलब दूध के लिए, मीट के लिए, ये सब आप लोगों ने जानवर पाल के रखे होंगे। यस
कुत्ता वगैरह नहीं रखा घर में? डॉग, हाँ है मैं। डॉग रैबिट ये सब किसी ने पाला है ऐसा? कैट, कैट। अच्छा, कैट पाला। हाँ, तो और ये जो आप लोग ऐसा मतलब काउ रखा है तो सिर्फ दूध के लिए होता है, और या फार्मिंग के लिए कोई जानवर यूज करते हैं क्या आप? जो किसानी खेती किसानी होता है उसमें कोई जानवरों का अब यूज होता है? पहले तो होता था, अभी होता है क्या? हाँ यस मैम, और होता है, जानवरों को जो हल जोतने के लिए भी किया तो कौन सा जानवर यूज करते हैं आप लोग क्या फार्मिंग किसानी में? जाए। ऑक्स बैल यूज करते हैं। अच्छा, और ये वो भी यूज करते हैं ना, वो जो भैंस का होता है, मतलब भैंसा जो होता है सुना, उससे भी झारखंड में यूज करते हैं खेती में। हाँ, वो यस मैम। थोड़ा उसको पावर होता है ना, ताकत होता है, तो बैल का यूज अभी होता यस मैम, होता है? है, अच्छा, हम होता लोग क्या क्या नहीं होता। गांव अच्छा, नहीं अभी ज्यादा तो ट्रैक्टर का यूज करने लगे ना, क्योंकि वो महंगा हो जाता है, बोलते हैं उसको पालना खिलाना फिर ये करना, और जल्दी हो जाता है तो मशीन से कुछ कर लेते हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे, आज मतलब हम जानेंगे हमारे यहाँ जितने तरह के भी जानवर हैं और किस वातावरण में रहते हैं, किस जगह पर किस तरह के जानवर होते हैं, उसका क्या कारण, और कितने टाइप का उनका खान पान क्या होता है, वो क्या खाते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो जो जानवर होता है ना, एक डोमेस्टिक होता है घरेलू जानवर और एक जंगली जानवर। जैसे आप लोगों ने बताया यस आपके घर में काऊ बुफेलो या और भी कुछ रखा है आप लोगों ने, जैसे डॉग और कैट रखा है, तो कुछ जानवरों को उसमें भी डोमेस्टिक में भी ना, कुछ जानवरों को ऐसा घर में पाल के रखते हैं और कुछ जानवरों को हम फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। तो पेट जो होता है जिसको आप घर में पाल के रखते हैं, तो शौक के लिए पालते हैं लोग, गांव में भी रखते हैं शहरों में भी रखते हैं, जैसे डॉग रखा, रैबिट रखा, आप लोगों ने कैट भी रखा, बहुत सारे लोग कैट रखते हैं, उसका हम केयर करते हैं पूरा और उन्हें घर के अंदर रखते हैं, तो उसको पालतू जानवर पेट बोलते हैं। पालतू जानवर आपके गाय भी है और जो भैंस है या ऑक्स जो रखा है ये सब भी है, लेकिन उसको हम फार्मिंग में यूज करते हैं, और उनसे हमें कुछ अपने डॉग और रैबिट ये सब जो रखा हो वो तो उससे हमें कुछ, बस एक हमारा एंटरटेनमेंट है, हम अपने शौक के लिए पाल रखा है। लेकिन यस हाँ देखो, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जैसे हॉर्स हो गया, काऊ, डॉग, कैट, रैबिट, शिप, कैमल, डंकी, गोट। तो इसमें जो हॉर्स है, काऊ है, ये सब आप अपने उसको पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो ये है तो डोमेस्टिक एनिमल है लेकिन ये पेट नहीं है। जैसे इसमें आपका डॉग है, कैट, रैबिट और ये सब जो हो गया ये पेट एनिमल हो गया। तो ये शिप भी है जो है तो आपका मतलब डोमेस्टिक एनिमल, और उसको हम कुछ यील्ड के लिए, जैसे ऊन, उससे हमको वूल मिलता है तो उसके लिए रखते हैं। यस हॉर्स पे हम उसको सवारी के लिए मतलब या तो बुलक, बुलक नहीं, हॉर्स कार्ट खींचता है, या किसी भी तरह का सामान ढोने के लिए भी यूज होता है। काऊ से हमें मिल्क मिलता है तो इसके लिए हम रखते हैं उसको, और डॉग हमारे घर की रखवाली भी करता है और हम उसको अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी, अपने खुशी के लिए भी रखते हैं। कैट भी का वैसे ही है, कैट ऐसा आपको स्ट्रीट कैट भी मिल जाएगी जो ऐसे ही घूमते रहते हैं और उसको घरों में भी पालते हैं, उसी तरह रैबिट को भी रखते हैं। और शिप का तो बताइए, कैमल जो है वो डेजर्ट में रहता है, उसको आप बहुत लोगों ने सुना होगा ना कि कैमल को बोलते हैं उसको क्या, रेगिस्तान का जहाज बोलते हैं ऐसे। जहाज, हाँ, तो क्योंकि वो चलता है उससे तो। हाँ क्यों, आ, आ, कौन गीता जी बता रही है, बताइए क्यों बोलते हैं उसे रेगिस्तान का जहाज? नहीं, हम मंजू बोल रहे हैं मैम, अच्छा मंजू जी, हाँ बताइए। क्योंकि वहां पे मतलब वो जो बालू कहते वाला हैं ये ना, है बालू में भी वो ना, चलता है बहुत तेजी से, दिन हाँ बालू में भी तेजी से चल पाता बालू है। में वो अच्छा से चल सकता है वो, और इसीलिए। जानवर वहां पे वैसे नहीं चल सकते जितना वो चल सकता है, तो इसीलिए उसको वहां रेगिस्तान का जहाज कहा गया होता हाँ है। पैरों में भी कुछ उसके खास होता है ना मंजू जी? हाँ हाँ, उसका हाँ जो वो होता है ना, उसका पैर का जो नीचे वो स्पंजी होता है, गद्देदार टाइप का होता है,
तो बालू में उसका पैर ना फंसता नहीं है, बालू के ऊपर भी वो नहीं। अच्छा से हाँ कुशनिंग होता है तो आराम से चल सकता है। और दूसरी बात है कि वो अपने पेट में ना पानी बहुत स्टोर करके रख सकता है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी में, तो उसको प्यास नहीं लगेगी, वो चलते रह पाएगा। उसका साइज भी हाँ देखिए इतना बड़ा है, एक बार वो सामान बहुत सारा ढो करके ले जाता है। ज्यादातर हाँ वहां पे ऐसे ना एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए या लोग भी बैठकर जाने के लिए ऊंट का यूज करते हैं। उससे एक ऐसा बैग होता है उसके पेट में कि वो बहुत पानी स्टोर करके रख लेता है और बहुत दिन तक वो चलाता है, तो उसको पानी पिला लिया ना तो वो अपना चलता रहेगा, उसे बार बार प्यास नहीं लगेगी। वही गाय को ले जाके आप रख देंगे वहां पे ना, पूरा ऐसा मतलब 2-4 किलोमीटर भी नहीं चल सकेंगे, तो वो हाँ उस हैबिटेट में ना अडेप्ट किया हुआ है, उसका बॉडी उसी टाइप का है, इसलिए उसको रेगिस्तान में या डेजर्ट में यूज करते हैं। उसकी अब फिर आईज आपने में एक भी दूसरा, उसकी कैमल की आईज भी डबल आई लैशेस होते हैं कि जो भी डस्ट आए ना हाँ तो वो उसकी ही हाँ अकॉर्डिंग उसका। हाँ वो प्रोटेक्शन के लिए मतलब कवर कर लेगा, समझ लो कि आंख पे एक पर्दा लगा रहता है जैसा, वो पर्दा बना लेगा अपने आंखों को, ढक लेगा, ऐसा उसको ढक जाएगा, तो उसको डस्ट भी, डस्ट से भी प्रोटेक्शन होता है कमल को। और फिर अगला फिगर में जो है कि डंकी है, तो डंकी का भी ऐसे बड़ा स्ट्रांग होता है वो तो हमारे प्लेन्स और मैदानी इलाकों में भी होता है। इसको खच्चर भी बोलते हैं, एक ये गधा का एस जो होता है ना उसी का एक दूसरा टाइप है, मतलब स्ट्रांग वाला बोलो तो ये डंकी जो है, तो ये भी सामान ढोने में यूज होता है। इसका लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी यूज करते हैं और मेनली सामान ढोने में यूज करते हैं। फिर ये आपको अगला फिगर में गोट दिख रहा है, तो गोट का जो लोग भी आपके नॉन वेजिटेरियन है तो वो ऐसा ना गोट का मीट खाते होंगे, आप लोग यहाँ भी खाते होंगे ना। यस हाँ तो आप मैम। लोग उसको, हाँ तो जो भी है वो खाते होंगे, गोट का मीट खाते होंगे। तो इसमें आप लोगों ने देखा कि एक तो जो था हमारे मतलब एनिमल्स भी होते हैं अलग अलग टाइप के, माउंटेन्स पे रहने वाले अलग होते हैं, इधर हमारे पठारी इलाकों में मैदानी इलाकों में रहने वाले अलग होते हैं, डेजर्ट में रहने वाले अलग होते हैं, तो माउंटेन्स पे रहने वाले मतलब ठंड जगह पे रहने वाले और भी तरह के जानवर होते हैं जो अपने बॉडी को उसी तरह से उसी वातावरण में ढाल लेते हैं कि उनको उसका ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वहां पे सरवाइव कर सकेंगे। तो एनिमल का जो खान पान होता है ना जानवरों का, वो भी देखो, एक तो होते हैं जो ये होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, जो घास पात खाते हैं, मतलब पेड़ पौधा जिनका भोजन होता है वो खाते हैं। अब आप लोग को ही बताएं कि आपके पास जो जानवर है वो क्या क्या खाते हैं, आप लोग गाय को क्या क्या घास, खिलाते हैं। पुआल, अच्छा घास, पुआल, भूसा, भूसा अच्छा हाँ, भी तो ये किस टाइप का हुआ बताओ, ये तो हर्बीवोरस हो गया ना, क्योंकि ये सिर्फ कोई भी पेड़ पौधे से निकला प्रोडक्ट या पेड़ पौधे को ही खाता है। आप घास खिलाते हो वो तो हो गया आपका ग्रास, तो वो पेड़ पौधे का ही पार्ट हुआ। फिर आप पुआल खिलाते हो, पुआल मतलब जो हस्क होता है ना वो ना, या मतलब धान काट के जो उसका डंडल होता है, वही। हाँ तो वो भी घास खा रहा है, तो ये सब क्या हो गया हर्बीवोरस। जो रैबिट होता है आपके घर में वो भी खाता है, सिर्फ घास खाता है, आपकी गाय भैंस ये सब भी घास खाते हैं, लेकिन आपके आसपास जो कुत्ता होगा वो क्या क्या खाता है। कुत्ता तो रोटी खाएगा, चावल खाएगा, मीट खाएगा, ये सब कुछ कुछ। हाँ वो तो वो घास ही मीट नहीं भी खाता, खा, हाँ वो वो मीट घास भी ही खा नहीं रहा है, खाते। वो घास नहीं खाता है, लेकिन रोटी चावल खाता है, तो अगर दोनों चीज भी खाता है, वो घास भी खाता है और मीट भी खाता है, तो वो क्या हो गया, वो ओमनीवोरस हो गया, मतलब वो सब सब कुछ वो खा लिया, ठीक है, उसको सर्वाहारी बोलो आप हिंदी में बोलो या ऐसे, तो वो सब कुछ खा लिया। लेकिन कुछ जानवर है जो सिर्फ और सिर्फ मीट ही खाते हैं, तो ऐसा कोई जानवर है आप लोगों के आसपास। यस मैम, नहीं जैसे होते हैं ना उसको क्या लेकिन जंगल में बोलते तो होता है ना ऐसा जानवर, जैसे चीता हो गया, शेर हो गया, है ना, उसको, ये सब तो लकड़हारा की क्या बोलते हैं उसको, मुर्गी पकड़ लेपर्ड के ले बोलते जाते हैं। हैं, हाँ हरी लेपर्ड को होता है पकड़ जो, के ले।
भी होता है पशु हाँ वो सब जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, वो घास नहीं खाएगा, वो कुछ और नहीं खाएगा, वो सिर्फ मीट खाता है। तो इसको बोलते हैं कार्निवोरस। और वैसे जानवरों के दांत ना बहुत नुकीले होते हैं, बहुत शार्प होता है उनका दांत। हाँ कि वो जानवरों को अपने से छोटे जानवरों को खाएंगे तो उसको लाता है अपने, मतलब उसको पकड़ेगा अपने पंजे से पकड़ेगा, इसलिए उसके नाखून भी बड़े शार्प होते हैं, ऐसे होते हैं कि उसका ग्रिप बहुत अच्छा हो और वो पकड़ सके जानवरों को। तो उसी तरह मतलब उनका उसी तरह का बना होता है, उसे बनाया है, ऐसा बना ही हुआ है कि वो पकड़ सकेगा, उसे मांस चीरना है तो दांत नुकीले हैं उससे चीरता है और खाता है। कार्निवोरस जितने भी एनिमल्स हैं उनके दांत ना बड़े शार्प होते हैं और बड़ा पॉइंटेड होते हैं कि वो ऐसे चीर के खा सके। और ये जो है जितने भी आपके हर्बीवोरस हैं उनके छोटे छोटे दांत होते हैं, वो घास खाना है, जैसे रैबिट को आप देखो, गाय को भी देखो, वो बड़े आराम से खाते हैं, उन्हें खाने में बहुत मेहनत नहीं लगाना है, अब दे दिया वो धीरे धीरे खा रहे हैं ना वैसे, या अपना जो लिए अगर ले करके भी खाया खेतों में छोड़ दिया तो भी आराम से, और वो खा करके उनका बहुत देर तक ना, गाय को देखो आप ऐसा मुंह चलाते रहते हैं उनको डाइजेशन के लिए, वो करते हैं ना ऐसे बहुत देर तक मुंह चलाते रहते हैं बैठ के उनका, तो वो काफी देर में डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो ये वाले हैं जानवर आपके कार्निवोरस से, उनको चीर फाड़ करके खाना है तो उन्हें बड़ा टाइम लगता है खाने में, मतलब काफी मेहनत करके खाना पड़ता है। तो हमेशा उनको अगर जू में भी रखते हैं कहीं पे तो रखते हैं ना एनिमल्स, जो भी आप लोग कभी और कोई जू में घूमने आए, जिसको आप क्या बोलते हैं चिड़ियाघर बोलते हैं, यस मैम, हाँ तो वहां पे तो देखा होगा हर तरह के जानवर होते हैं, कार्निवोरस ओमनीवोरस और आपको हर्बीवोरस, सब तरह के जानवर दिखे होंगे। तो वहां पे जानवरों को खाने के लिए क्या ही देते हैं, आप कभी देखा है आप उनको ऐसा खाना परोसते हुए आप लोगों ने, मतलब जो उनके केयर टेकर होते हैं उन्हें देखा है खाना देते हुए, पता नहीं क्या नहीं देखा। खाते हैं। हाथी को आप देखना, हाथी को जहाँ रखते हैं ना वहाँ बहुत सारा ऐसा पेड़ का पत्ता काट काट करके बहुत सारा रखा रहता है, तो उनके लिए उस तरह का फूड प्रोवाइड किया उनको हाथी। आपका जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ, वो भी आपका हर्बीवोरस है, वो सिर्फ कोई भी प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, जो भी पौधे का होता है ना वही पत्ता खाता है, जो सॉफ्ट वाले हैं वो काट के देते हैं, उनके जो केयरटेकर है वो बहुत सारा काट करके लाते हैं, वो बहुत बड़ा है तो उसको बहुत क्वांटिटी में भी चाहिए फूड तो वैसे काट के देते हैं। आप कभी भी उसके केज के पास जाओगे, लायन या लेपर्ड या कुछ भी होगा ना ऐसा टाइगर, उसके केज के पास आओगे तो उनको मीट का दिया रहता है बहुत सारा खाने के लिए, क्योंकि वो सरवाइव ही नहीं कर सकेंगे, मीट पे उनको रखना पड़ता है, बहुत सारा मीट उनको देते हैं खाने के लिए। और आप लोग अपने घर में तो जो रखा है अपने डोमेस्टिक एनिमल रखा है उसको ये सब आप खिलाते ही हो, तो ऐसे जो एनिमल्स है ना उसको भी दो तरह का, एक डोमेस्टिक एनिमल और दूसरा जो है वो वाइल्ड एनिमल्स, उसमें कैटेगराइज किया गया, मतलब घर के पालतू जानवर और जो फार्म जो हम खेती में मदद करते हैं या सवारी में मदद करते हैं वो हो गए सारे आपके डोमेस्टिक एनिमल्स। जैसे आप ये डायग्राम अभी आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ना, कुछ ऐसा पिक्चर्स यस हो रहा है मैम, आप देख, हाँ आप लोग इसमें से बता दो तो ये जो कुछ स्नेहा इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखना, ये जू एनिमल्स, अच्छा ठीक है जू एनिमल्स में ही आप लोग बताओ, जो लायन टाइगर बियर जेब्रा है ये सब किस टाइप के डोमेस्टिक एनिमल्स है कि वाइल्ड जंगली जानवर है कि हमारे घरेलू या पालतू जानवर है, जंगली ये कुछ जानवर, ये वाइल्ड सारे के एनिमल्स, सारे, हाँ सारे के वाइल्ड एनिमल्स, सारे वाइल्ड एनिमल्स है। हाँ वाइल्ड हाँ लेकिन इसमें भी देखो कितना तरह के ना, जैसे ऑस्ट्रिच है आपका चिड़िया में तो एक ऑस्ट्रिच ही है, तो इसको क्या ऑस्ट्रिच क्या है चिड़िया है ना आप सबको पता होगा, एनिमल्स। यस मैम, हाँ उसके उसको भी वाइल्ड एनिमल को भी बहुत कैटेगराइज करते हैं, आगे जाके वो पढ़ना है कि कितने टाइप के वो होते हैं। तो ये चिड़िया हो गया, उसको बर्ड्स बोलते हैं, बर्ड्स में बहुत तरह के आती है, बर्ड्स में भी कुछ कुछ बर्ड्स है, जैसे तोता बहुत लोग पालते हैं पैरोट अपने घरों में, तो तोता किस टाइप का है, वो हर्बीवोरस है कार्निवोरस ओमनीवोरस क्या है, ये देखो ये सारा भी स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये सारा जो है इसमें बहुत सारा एक्वेटिक एनिमल्स है जो मतलब पानी में रहते हैं, हर्बीवोरस,
अच्छा, हर्बीवोरस। इसमें पानी में रहने वाले आप लोगों को क्या क्या स्क्रीन पे दिख रहा है, आप लोग देख के जरा बताएंगे एक दो, कोई टोटोइज, दिख रहा? हाँ बहुत अच्छा, और भी कुछ देखिए, और कुछ? क्रोकोडाइल, हाँ बहुत अच्छा, मगरमच्छ, हाँ वही हाँ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल बताया आपने। और एक देखो, एक डक है ना, डक भी ऐसे तो बर्ड है लेकिन पानी के आसपास ही वो रहता है, पानी में नहीं रहता, पानी के आसपास में रहता है। हाँ, और ऐसे इसमें भी देखो पैरट दिख रहा है, तो पैरट जो है आपने बताया कि हर्बीवोरस है। और इसमें कोई ऐसी बर्ड दिख रही है जो कि कार्निवोरस है, बर्ड या कोई एनिमल आप लोग को दिख रहा है जो ऐसा कार्निवोरस है? बहुत सारा दिख रहा है ना, चीता दिख रहा है, वो से लेपर्ड, और ये दिख रहा है आपको एक, वो तो ईगल टाइप का दिख रहा है। यस हाँ ये सारे कुछ। और आपको एक डियर दिख रहा होगा ऐसा ऊपर में सोया हुआ, जो वो भी है तो ऐसे वाइल्ड एनिमल, लेकिन मोस्टली वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो कार्निवोरस ही होते हैं, क्योंकि उनको मिल जाता है ना जंगल में ऐसा मीट खाने के लिए, उन्हें पेड़ पौधे का। लेकिन कुछ कुछ उसमें से ये बियर है जो ये है आपका, ये आपको बोलोगे ये कार्निवोरस, हाँ ये कार्निवोरस ही है, ये मीट भी खाता है, हनी भी खाता है, प्लांट्स नहीं खाता उतना। और ये टर्टल्स वगैरह हैं जो छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं, हाँ, जो उनसे छोटी छोटी आकृति में जो है पानी के रहने वाले जो जानवर हैं अपने से छोटी छोटी मछलियों को खाते हैं। और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है वाइल्ड एनिमल्स में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, जैसे लायन, टाइगर, लायन, हाँ, डियर, रेनडियर टाइप का है वो, और टाइगर एलिफेंट, है, लायन है, हाँ बहुत सारे हैं। फॉक्स अच्छा, और नीचे बियर दिख रहा है, ऐसा जेब्रा दिख रहा है, बहुत सारा कुछ, ये सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसे ही बच्चों का पिक्चर से दिखाते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और वो पहचान पाएंगे। पहले तो अपने आसपास के जानवर से ही उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस टाइप का वाइल्ड एनिमल है, कि ऐसा अपना डोमेस्टिक एनिमल है। और बताया ना कि वाइल्ड एनिमल्स तो ये सारे डोमेस्टिक एनिमल में भी दो था, फार्म एनिमल था और दूसरा जो था पेट एनिमल था। तो फार्म एनिमल को आप यूज करते हैं तरह तरह से काम के लिए, उनसे कुछ भी आपको बुल इल्ड होता है या मीट इल्ड करते हैं या मिल्क इल्ड करते हैं, कुछ भी उनसे मिलता है आपको, जो भी कुछ ना कुछ पर्पस के लिए आप उनको पाल के रखते हैं। और उनका रहने का भी अलग अलग टाइप का घर होता है सबका, कुछ को तो ऐसा मतलब शेड में रखते हैं, कुछ को शेल्टर में रखते हैं। ये देखो पेट एनिमल्स इतने सारे हैं जो, बैल सबको तो घर में भी रखा जाता है। हाँ, किसको घर में रखते हैं? गोट को, नहीं, काव को भी मतलब होता है ना, घर बना के ही उसको अंदर में हाँ, तो उसके उसके घर का हम अपने घर में भी रखते हैं, तो लेकिन उनका घर देखना अलग टाइप का आप लोग मतलब बनाते होंगे ना, अलग रहता है, रूम अलग रहते हैं उनका, थोड़ा हाँ, शेल्टर टाइप का कुछ, दूर हमने कच्चा घर टाइप का बनाते होंगे, ऐसा झोपड़ी का में या रूम। तो शेड वर्ड डाल के आप लोग शेड डाल के रखते होंगे उसे, तो उसे हाँ वैसे में रखते हैं। और हर का अगर कुत्ता किसी ने पाल रखा है तो अपने घर में भी रख लेते हैं, या फिर उनका प्रॉपर घर भी बनाते हैं, छोटा सा घर बनाया उसे रखने के लिए। और यहाँ पे देखो आप पिजन दिख रहा है, पिजन किस टाइप का बर्ड है आप लोग के पास? कबूतर तो आसपास दिखता होगा, पिजन किस तरह का? वो हर्बीवोरस होगा कि वो कार्निवोरस है कि कार्निवोरस है? पिजन क्या खाता है? हाँ, वो तो घास भी खाते हैं, और घास नहीं खाता घास नहीं, मतलब चावल वल तो खाता है, घास चावल तो बाजरा ये सब खाते हैं, खाता है, घास का घास का दाना, दाना। बजरा, अच्छा वो सब खाते हैं। घास अच्छा का जो दाना, बीज रहता है ना, वो सब अच्छा तो चुन अच्छा के खाते हैं। अच्छा लेकिन वो छोटे छोटे कीड़े वगैरह नहीं खाते? कोई चिड़िया ऐसी होती है जो छोटे छोटे कीड़ा वगैरह भी खाए ऐसा? क्रो, क्रो
आंकड़ों आंकड़ों खाता है, क्रो तो मीट भी खाता है, अगर कहीं पड़ा रहता है ना तो वो खाता है, क्रो मीट खाता है। तो वो किस टाइप का हुआ एनिमल, आप अपने खान पान के हिसाब से, अपने फूड हैबिट के हिसाब से किस टाइप का हुआ क्रो जो हुआ? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, क्या हुआ वो? अच्छा वो कार्निवोरस ही होगा, हमें नहीं पता ओमनीवोरस है कि नहीं है वो, क्रोस देखा नहीं, मतलब अभी प्लांट है तो नहीं भी खाते देखा, कुछ हार्ड्स खाते नहीं देखा है, वो कार्निवोरस ही होगा, क्रो जो होगा। और इसमें आपको चिक देख रहे हैं आप लोग, मुर्गी भी तो किसी किसी ने पाल रखा होगा ना, हेन और ऐसा। हाँ, हाँ यस तो ये क्या खाते हैं जो कॉक और हेन होते हैं, वो क्या मैम। खाते हैं वो? कीड़े चावल मकोड़े भी खा लेते हैं, चावल, राइस भी खाते हैं, और सब्जी। गेहूं भी अच्छा, ये सब ही खाते हैं, मतलब वो सारे प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये सब क्या हो गया, ये सारे के सारे आपके हो गए, ये खाते जो हेन और कॉक हुआ वो क्या हो गया, हर्बीवोर्स हो गया। हाँ, हैं। जैसे हमारे, अगर हम जो इंसान है वो क्या है, कार्निवोरस है, ओमनीवोरस है, बहुत सारे वेजिटेरियन है, बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन है, बहुत सारे सब कुछ खाते हैं, तो हम लोग भी वैसे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब हर्बीवोरस नहीं बोलेंगे हम लोग, ओमनीवोरस टाइप के होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं, सब कुछ खाते हैं। अच्छा, ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है आप लोग के पास, इसमें से ये रहता है ऑक्स रहता है, और हॉर्स भी होता होगा कोई कोई, शायद रखते होंगे ना कभी कभी, किसी को ऐसा देखा है इधर पे तो ले जाते हैं कार्ट में लगा के, तो कोई कोई रहता है, रैबिट रखा होगा आप लोगों ने, इसमें से क्या क्या एनिमल्स रखे आप डोमेस्टिक एनिमल्स है, इसमें से जो अभी स्क्रीन पे आपको आ रहा है डिस्प्ले में, उसमें से आप लोगों ने किसी ने क्या क्या रखा हुआ है, या क्या क्या आसपास में है, कैमल तो किसी के पास नहीं होगा। ऑक्स, कोट है, ऑक्स है, और क्या है, रैबिट रैबिट है, है, बुफालो कैट, होगा। हाँ बुफालो भी है। और काउ तो होगा बहुत लोगों के पास। हाँ, डंकी तो नहीं रखते नहीं इधर, डोंकी किसी के पास नहीं होगा, लेकिन ये सब जहाँ भी जरूरत होती है ना जिनको, वैसे तो इसको रखते हैं, ये भी आराम से चढ़ सकता है, थोड़ा ऊंचाई भी चढ़ सकता है, और बहुत दूर दूर तक जा सकता है, काफी वेट लेके दूर दूर तक जा सकता है, जो काम कैमल करता है डेजर्ट में वही काम इधर हॉर्स, हॉर्स से थोड़ा ये ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा काम कर सकता है, तो ये जो डंकी है इसलिए इसको रखते हैं, डंकी को। हॉर्स पे आदमी राइड कर सकता है, डोंकी पे सामान को लेकर जाते हैं, उस पे आदमी बैठ के जाते हैं, उस पे सामान ढोने का कम ही इस्तेमाल होता है, और डोंकी को बहुत दूर तक सामान ढो कर ले जाने के लिए। पिग यहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है ये भी क्या है, ये भी ओमनीवोर्स टाइप का ही एनिमल है, जो सब कुछ खा लेता है, और इसको भी मीट ईलने के लिए यूज करते हैं, और इसका इसका जितने भी एनिमल्स हैं उनके स्किन से भी बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं ना, जो उसका चमड़ा होता है उससे काफी कुछ बनाते हैं, तो उसके लिए भी उसको पालते हैं, बहुत सारे एनिमल्स का स्किन का यूज होता है काफी सारा प्रोडक्ट्स बनाने में, आप लोग भी यूज करते हैं, बैग्स किया, शूज किया, बेल्ट के, बहुत सारी चीजें बनाते हैं, और कुछ कुछ एनिमल्स का जो ये सिंग होता है, सिंग आप लोग समझ रहे होंगे ना उसका क्या उसको बोलेंगे, हाँ, तो उससे भी कुछ कुछ बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स या कुछ, तो उसके लिए भी पालते हैं लोग।
तो आप लोगों को किसी को कुछ और पूछना है क्या? एनिमल के टाइप में कौन सा एनिमल किस एरिया में होता है, क्या उसका कुछ स्पेसिफिकेशन है या ऐसा है? किन्हीं को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ क्वेरीज है क्या उसके खान पान से रिलेटेड, या कुछ भी, मतलब किस वातावरण में क्यों रहता है, क्या उसका फायदा है, या जो भी कोई क्वेरीज है आप लोग के पास ऐसा पूछने का भी कुछ पूछना, या पिछला क्लास जो मैथ्स का हुआ या उसके पहले जो हुआ था टाइप ऑफ हाउसेज, उसमें से किसी भी टॉपिक से आप लोग को कुछ पूछना है कि नहीं को? हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं, तो किसी के पास भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल है साइंस से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड, या अब तक की हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं उसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी का क्लास उससे पहले तो हमें एक चीज बताइए कि हमें जानना था कि संडे को आप लोग को क्लास करने में कोई परेशानी तो नहीं होती है, नहीं मैम। या फिर किसी दिन शाम को अगर क्लास रखी जाए तो वो ज्यादा आपके लिए सुविधाजनक होगा कि आज रविवार के दिन दोपहर में, क्या ठीक रहता है आप सभी के लिए? रविवार के दिन मैम, क्योंकि शाम के टाइम फिर नहीं हो पाता। बाकी वैसे लोग शाम को भी, आप लोग बोले थोड़ा को सा सबकी राय, शाम को 6 से 7 अगर रखी जाए किसी भी दिन में। प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हैं। बाकी साथी भी बोले सबकी राय से ही होती है क्लास, और हाँ, अगर सभी का प्रेजेंट परेशानी है चाहिए, सभी तो एक्टिव चाहिए। मैम नहीं प्रॉब्लम है, सभी ठीक है, स्वस्थ ठीक है, गीता जी, थान होते सिंह जी, निर्मला जी, नहीं। ठीक है यस मैम, संडे सर संडे के हिसाब से, रविवार के हिसाब से ठीक है। ठीक है, रविवार हाँ हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो संडे के लिए सब, संडे को ही सब कोई कंफर्टेबल है क्लास के लिए? ठीक है, समय भी ठीक है, 12 बजे? हाँ यस मैम, मैम ठीक है, ओके ठीक मैम, है ठीक ठीक। है, ठीक है, फिर यू संडे मैम। को ही कंटिन्यू करें, संडे को ही कंटिन्यू करें। आप लोग कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, या बच्चों को पढ़ाते समय आप लोग को कोई भी टाइप का कोई परेशानी होती है, जो उन्हें समझाने में कोई परेशानी होती है, तो आप पूछे, हो सकता है हम कुछ भूल गए हो, ना डिस्कस किया हो, तो आप प्लीज हमें पूछें, तो हम जान पाएंगे कि आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो आप मतलब आप पढ़ाने में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें बताएं। पढ़ाने में परेशानी नहीं, उन्हें उस समझाने में टॉपिक वो से कोई प्रॉब्लम। रिलेटेड या किसी अलग टॉपिक पे भी कोई परेशानी आ रही हो, या कोई बच्चा हाँ ऐसा है जिसके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मतलब, हाँ या फिर किसी बच्चे कोई आपका अनुभव है तो वो भी शेयर करेंगे, तो हम लोगों के लिए और बाकी भी ज्ञान साथियों के लिए सीखने के लिए एक अच्छा, आपके किसी बच्चे कोई ने ऐसा ऐसा टॉपिक किया है? समझाने में आप बच्चे ना जल्दी समझ पाते होंगे, कोई भी चीज डिस्कस कीजिए प्लीज। किसी के पास कोई सवाल नहीं है? मैम अभी तो हम पढ़ाना छोड़ दिए, तो हम तो इसी चलते नहीं। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, जब पढ़ाती थी तब की कोई ऐसा अनुभव कोई साझा करना चाहती हो, या फिर जब पढ़ाना शुरू करिएगा तब, या कोई ऐसा टॉपिक अभी भी आपके जैसे माइंड में चल रहा है कि मैं उस पे एक बार आप क्लास लेती हैं तो भी आप बता सकती हैं। अच्छा रोजी जी, निर्मला जी, गीता जी, सुनीता जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अगर वैसा कुछ, अगर टॉपिक अगर आता है पढ़ाने के वक्त, इससे तो फिर वो ठीक
ठीक है, आप लोग सबको बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अपना काम बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को भी लगता है कि चलो हम आपके साथ जो अपना इधर आकर समय आप लोगों के साथ साझा करते हैं ना, तो काफी अच्छा लगता है। लोग का ग्रुप में भी देखा, आप लोग काफी अच्छा से सब कुछ बच्चों के साथ अपने ज्ञान दे रहे हैं। किसी पुरानी क्लास से भी रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, अभी हमारे पास मम्मी तीन मम्मी मिनट भूख लग रहा है, बोल किसी के पास कोई सवाल? नो मैम। ठीक है, आज जो हमने ये डिस्कस किया, जो पढ़ा, उसमें से कुछ भी नहीं, सब आप लोग अच्छे से तो समझ गए ना, या कुछ और हमें बताना चाहिए था जो आप लोग जानते होंगे? अगर कुछ छूट गया तो आप लोग बताएं। सभी एनिमल्स के आप लोग जब भी बताइएगा बच्चों को, तो साथ साथ वो कैसा मतलब खाना खाते हैं वो तो बताएंगे, साथ साथ वो लोग कैसे घर में रहते हैं, जैसे लायन का कैसा घर होता है, उसके घर के नाम को भी साथ साथ बता दीजिए बच्चों को। हाँ, जैसे लायन के घर को डेन बोलते हैं, तो आप इन्हें बता दीजिए उनका घर कैसा होता है, तो बच्चे साथ साथ समझ जाएंगे। उनका खान पान कैसा है, मतलब क्या खाते हैं वो, ये कार्निवर्स है और हर्बीवर्स है या ओमनीवर्स है, और उनका घर किस टाइप का है। तो साथ साथ आप एक चार्ट बना के भी पढ़ा सकते हैं कि किस टाइप का एनिमल है, वाइल्ड है, उसका फूड टाइप कैसा है और वो कैसा घर में रहता है। तो उन्हें याद करने में थोड़ी आसानी होगी, समझने में, याद नहीं, समझने में आसानी होगी, फिर तो उन्हें याद हो ही जाएगा। पिक्चर से रिलेटेड उस एनिमल को, उसके घर को, सब कुछ एक साथ दिखा दीजिए, और अगर संभव हो सके तो दो चार बच्चों का ग्रुप बना के कोई एक छोटी सी एक्टिविटी करा दीजिए, तो बच्चे बहुत जल्दी समझ जाएंगे। कोई भी अगर इससे रिलेटेड आप एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चे उस चीज को बहुत जल्दी समझ जाएंगे। जैसे कुछ आपने ड्रॉ कर दिया, कोई बच्चा उस घर को लेके खड़ा है, तो लॉयन को उसमें कि हाँ ये किस तुम किस घर में जाओगे, तो वो डेन में जाता है। इस तरह से आप जैसे दो तीन घर बना दिए दो तीन एनिमल्स के, तो बच्चे बहुत जल्दी रिलेट करके नाम याद कर लेंगे। तरह की एक्टिविटी कराइएगा और ग्रुप में शेयर करिएगा। चलिए, फिर किसी का कोई सवाल नहीं है, आज का फिर सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैम मैम समझ रहे हैं संडे बहुत बिजी होता है, बट मैम ने हमारे लिए समय निकाला, हम सभी ज्ञानदूत के लिए मैम ने समय निकाला, और अच्छा लगा आज सभी ज्ञानदूत थोड़ा एक्टिव थे, क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, तो मुझे लगता है मैम को भी अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लगता है आपकी क्लास में बच्चे एक्टिव रहते हैं तो आप लोग को भी अच्छा लगता होगा, तो इस तरह आप लोग भी यहाँ पे मैम सवाल पूछा कीजिए। तो यस, सभी और बाकी हमारे सभी ज्ञानदूत का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू मैम, यू, थैंक सभी ज्ञान दूतों का बहुत बहुत यू। धन्यवाद, और आप सभी इसी तरह अपना जो काम करते हैं उसको ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो आपका काम है वो आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बस वैसे ही करते रहिए। थैंक यू ऑल। थैंक थैंक यू मैम। यू मैम। थैंक यू।